आज कर रहे हैं पिथौरागढ़ से अस्कोट तक का सफ़र, तो चलिए हमारे साथ पहाड़ों के सफ़र में। और आज सुबह सुबह बिल्कुल एकदम 6 या 7 बजे हम घर से निकल गए थे, तो रास्ते में मौसम बहुत ही सुहावना, और सितंबर के महीने में भी ऐसा लग रहा था जैसे कि सर्दियों का मौसम है। पूरा कोहरा लगा हुआ था सुबह, और ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा कोहरा लगा है, और बीच बीच में तो बारिश भी होने लगी थी थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पर हम पहाड़ों के रास्ते से जा रहे हैं अस्कोट। बीच बीच में पता ही आपको पहाड़ों में मंदिर पड़ते रहते हैं पहाड़ की चोटियों में, और एकदम यहाँ पर तो जो रोड के किनारे हैं उसके किनारे ये मंदिर है। ये सतगढ़ का इलाका है, और यहीं से ऊपर को जाते हैं ध्वज मंदिर के लिए भी। तो मोड़ आपको पता ही होते हैं किस तरह के होते हैं। अभी सुबह का टाइम है तो बिल्कुल भी यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चल रही, बहुत ही कम 1 या 2 गाड़ियाँ ही दिखाई देती हैं रास्ते में। तो अब हम पहुँचने वाले हैं कनालीछना, और जब कनालीछना आप पहुँचते हैं तो ज़्यादा ही ठंड लगनी शुरू हो जाती है, पता चल जाता है हम लोग, क्योंकि वहाँ पर 5 के जंगल बहुत ज़्यादा हैं और कोहरा और ज़्यादा लगता है। तो अब ये अस्कोट का एरिया शुरू हो गया है, और रास्ते में जो रोड है वो बहुत अच्छी है, पर कहीं कहीं पर अभी भी बन नहीं रही है। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ अस्कोट, और इसके बारे में क्या बताऊँ, मैंने बचपन यहीं बिताया है, मैंने पूरी स्कूल की जो शिक्षा होती है मैंने यहीं पर प्राप्त की है। तो अपनी छत से मैं यहाँ पर बना रही हूँ वीडियो, और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रही हूँ। इसी घर पर मैं रही थी और यहीं से मैंने स्कूल पढ़ा था। तो ये छोटा सा मार्केट है यहाँ पे, और ये उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे अपने पिथौरागढ़ की ओर। तो रास्ते में वही पहाड़ झरने और पहाड़ के जो मोड़ होते हैं वो, और दूर से ही पता चल जाता है कौन सा एरिया शुरू होने वाला है। तो ये ओगला का एरिया है, और ये है कनालीछना। वैसे अब हम पहुँचने ही वाले हैं घर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए।